नमस्ते बच्चों, मैं हूँ हिमांशी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ से और स्वागत है आपका आपकी हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में सीखे थे अ की मात्रा वाले शब्द, आपको याद होगा और आपने घर पर उसका अभ्यास भी किया होगा। आज हम सीखेंगे अ की मात्रा वाले वाक्य। आपकी बुक है हिंदी प्रवेशिका, जल्दी से अपनी बुक उठा लीजिए और इसमें खोलना है आपको पेज नंबर 4141। ठीक है, अब हम इसको साथ में पढ़ेंगे। पहले आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर अपनी बुक में भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है श पर ओ की मात्रा श, र व, र पर ई की मात्रा री, शौर वरी शौर वरी, के क पर ए की मात्रा के, बाबा बा में आ की मात्रा, फिर से बा में आ की मात्रा बाबा, नौ का न पर ओ की मात्रा नौ, क पर आ की मात्रा का नौका, चलाते चलाते थे, शौररी के बाबा नौका चलाते थे। ये बच्ची है ना, शौरवरी इसका नाम है और इसके बाबा क्या चलाते हैं, नौका। नौका मीन्स नाव। उ न क पे ई की मात्रा उनकी नौका, च पर कौन सी मात्रा है अ की मात्रा, चौड़ी चौड़ी थी उनकी नौका, कैसी थी चौड़ी थी। फिर व पर ए की मात्रा वे, ध पर कौन सी मात्रा है अ की मात्रा ध, ल पु प में उ की मात्रा पु र धौलपुर, म पर अ की मात्रा म, स में ई की मात्रा मौसी, क्या पढ़ेंगे इसको मौसी, ज पर ई की मात्रा जी, के क में कौन सी मात्रा है ए की मात्रा तो पढ़ेंगे के, घर घर ग ए गए, कहाँ गए वे धौलपुर मौसी जी के घर गए। अब आगे देखिए मौसी, आपने यहाँ पर पढ़ा था ना मौसी, मौसी ने न पर ए की मात्रा ने, शौरवरी ऊपर आपने पढ़ा था ये नाम, शौरवरी क पर ओ की मात्रा को, क चौरी च पर ओ की मात्रा, फिर र में ई की मात्रा क चौड़ी कचौड़ी, प क पर ओ की मात्रा कौड़ी पकौड़ी, व फिर ये क्या लिखा है ल पर ओ की मात्रा लौ की लौकी, की खीर खीर खी, छोटी की मात्रा है खी, ला ई खिलाई, क्या खिलाया मौसी ने, मौसी ने शौरवरी को कचौड़ी पकौड़ी व लौकी की खीर खिलाई। और खी लौना खिलौना, वह में कौन सी मात्रा है ई की मात्रा भी, दी छोटी ई है ना दी, या दिया, क्या दिया खिलौना भी दिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको मेरे साथ साथ बोलते जाइए, शौरवरी के बाबा नौका चलाते थे उनकी नौका चौड़ी थी, वे धौलपुर मौसी जी के घर गए, मौसी ने शौरवरी को कचौड़ी पकौड़ी व लौकी की खीर खिलाई और खिलौना भी दिया। तो बच्चों, आपने इसको एक बार मेरे साथ पढ़ा, अब आप अपनी बुक में इसकी अभी के अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में अंग की मात्रा सीखेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को पसंद करें, साझा करें। धन्यवाद।